डिफरेंशिएट बिटवीन गोरिला टेस्टिंग एंड मंकी टेस्टिंग। यह है मंकी टेस्टिंग, यह है गोरिला टेस्टिंग। देखिए गोरिला टेस्टिंग का जो मेन एस्पेक्ट है, दोनों ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, तो इसमें क्या होता है, हम एक मॉड्यूल को चेक करते हैं। क्या है, ध्यान रखिएगा, हम मॉड्यूल को चेक करते हैं और इसमें हम डालते हैं रैंडम इनपुट, कुछ भी इनपुट डालते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मॉड्यूल का जो फंक्शन है, मॉड्यूल का जो काम है, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फाइनली इसको चेक करने के बाद हम एश्योरेंस अपने में ला सकें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ला सकें कि हमने इस मॉड्यूल को अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। जो मंकी टेस्टिंग होती है, इसमें क्या होता है कि हम सिस्टम को क्रैश करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे सिस्टम को रैंडम इनपुट देते हैं, कुछ भी इनपुट देते हैं। इसमें भी हम ये देखते हैं इस रैंडम इनपुट से सिस्टम या सॉफ्टवेयर बिहेव कैसा कर रहा है, और ये कोशिश करते हैं जानने की मेन की क्रैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं। इसमें कोई भी टेस्ट केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी दीजिए इसमें आप। एक और चीज इसमें बताऊंगा कि इसमें हम टेस्ट स्क्रिप्ट बना सकते हैं, क्योंकि हम ऑटोमेट कर देंगे प्रोसेस को कि भाई कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो और सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में जाए और सॉफ्टवेयर चेक हो जाए। गोरिला टेस्टिंग का जो मेन एम है, इसका जो मेन हमारा ध्येय होता है, वो ये होता है कि ये जो मॉड्यूल है ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जबकि मंकी टेस्टिंग का हमारा मेन इसका आइडिया यही है कि सिस्टम क्रैश कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस ये। गोरिला टेस्टिंग ये है क्योंकि एक मॉड्यूल की टेस्टिंग हो रही है बार बार, और इसको कौन कर रहा है, डेवलपर और टेस्टर मिलके, तो ये मैनुअल टेस्टिंग है। मैंने आपसे बताया कि ये जो मंकी टेस्टिंग है इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रैंडम टेस्टिंग है, टेस्ट केसेस की जरूरत नहीं है, ये मैनुअल भी कर सकते हो, ज्यादा बेहतर है इसको ऑटोमेट कर दो। गोरिला टेस्टिंग पूरे सिस्टम या सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये है किसी मॉड्यूल की टेस्टिंग। एक मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है या प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है, तो इसकी बार 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 टेस्टिंग आप करते रहेंगे। मंकी टेस्टिंग में यह होता है कि पूरे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं, यहां केवल मॉड्यूल की टेस्टिंग कर रहे हैं। मॉड्यूल क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ फंक्शन हो सकता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस हो सकती है, ग्रुप ऑफ ऑपरेशन हो सकता है। गोरिला टेस्टिंग जो है इसमें यूनिट टेस्टिंग हम अप्लाई करें, बेसिकली यूनिट टेस्टिंग का ही तरीका हुआ, एक मॉड्यूल को, एक फंक्शन को टेस्ट करना, एक ग्रुप ऑफ फंक्शन को टेस्ट करना, गोरिला टेस्टिंग ये होती है। ओके, ये जो मंकी टेस्टिंग होती है ये होता है सिस्टम टेस्टिंग। आपने यूनिट टेस्टिंग कर ली, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर ली, उसके बाद जब आप पूरे सिस्टम को, यानी कि एक सॉफ्टवेयर उसके साथ जितने भी सब सिस्टम जुड़े हुए हैं, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे डेटाबेस है, जो भी हो, उन सबको जोड़ के जो टेस्टिंग के समय हम करते हैं उसको हम मंकी टेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, इसके गोरिला टेस्टिंग के अलग अलग नाम है, टॉर्चर टेस्टिंग, फॉल्ट टॉलरेंस टेस्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग टेस्टिंग, ये सारे गोरिला टेस्टिंग के नाम है। मंकी टेस्टिंग की जहां तक बात है तो रैंडम टेस्टिंग, फज टेस्टिंग, स्टोकेस्टिक टेस्टिंग, ये सारे के सारे आपके मंकी टेस्टिंग है। तो कोई कहेगा रैंडम टेस्टिंग बताइए, तो आप मंकी टेस्टिंग ही बताएंगे।